नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। बागेश्वर के जीआईसी खाती में मास हिस्टीरिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बता दें कि सीएमओ कार्यालय बागेश्वर से एसीएमओ हरीश पोखरिया ने स्कूल के बच्चों से फोन पर बात की और उनसे परेशानी का कारण पूछा है। क्या है ये पूरी खबर, चलिए विस्तार से जानते हैं। बागेश्वर के जीआईसी खाती में मास हिस्टीरिया के मामले सामने आने के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं अचानक चीखने चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद स्कूल की 15 छात्राएं इसी तरह की हरकतें करने लगी थी। वहीं इनमें से कुछ छात्राओं के अभिभावक उन्हें हायर सेंटर लेकर गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अब स्कूल में छात्राओं की काउंसलिंग के लिए बागेश्वर से निकल चुकी है। डरावनी किताबें बच्चे पढ़ेंगे तो इसके भी बच्चों के मानसिक के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। प्रथम दृष्टया जब से उनसे हमने बात भी की, टेलीफोन के लिए बात भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, तो वो उनसे जो ये प्रॉब्लम है, गांव वालों का कहना है कि 6 महीने से है, बच्चों से जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं 3-4 दिन। तो 3-4 दिन के अंदर ये डिप्रेशन या एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये या मानसिक रोग, ये डेवलप नहीं होता है। ये हल्के से लक्षण हैं, इसके ऊपर अभी हम काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग करने के बाद हम लोग एक मैं खुद कल वहाँ पर जाऊँगा, प्लान कर रहा हूँ और हम जाके देखते हैं, उसके बाद बताएंगे।